दोस्तों आप तो मेरी दोस्त को जानते ही होंगे। यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसी के साथ जाती हूँ। दूर बोल रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। होप करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो नए ब्लॉग की नई शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से। तो आज है लास्ट नवरात्रा, यानी कि आज है नवमी। मैं नवमी कैसे मनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको अपने किचन में। और मैंने सुबह मतलब मैं सुबह करीबन 4:30 बजे के आसपास उठ गई थी, तब से लेकर अभी तक ही मंदिर का ही काम हो पाया है। पूजा पाठ में और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले अब चलते हैं किचन में। सबसे पहले उठने के बाद मैंने किचन में लिफाई पुताई की और अब सबसे पहले मैं उबाल लेती हूँ चने। अब मैंने चने भी रख दिए हैं उबालने के लिए। जैसे कि मैंने चने उबालने के लिए भी रख दिए हैं, तो मैं आप लोगों को अपना मंदिर भी दिखा देती हूँ। तो उस दिन मैंने जौ उगाई थी और आज मेरे जौ इतने बड़े हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये रहा मौका सिंगार, जो कि बहुत जरूरी है। मेरे चने भी उबल के तैयार हो गए हैं और अब मैं बनाऊंगी प्रसादी मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो इसमें है चाशनी और ये है घी और ये है आटा और ये है तिमूल के पत्ते, जो कि हमारे कुमाऊं में ना काफ़ी शुभ माने जाते हैं तिमूल के पत्ते। और जब भी कभी घर में कोई शुभ भी कार्य होता है ना, तो सबसे पहले तिमूल के पत्ते लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। तो आप सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने देंगे, फिर मैं घी डालूंगी इसमें। मेरी प्रसादी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले प्रसादी का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना 10 बार आ रहे हैं किचन में इस वजह से। जैसे कि आप देख सकती हूँ, मैंने आटा भी लगा के इसके छोटे छोटे लोई बना दिए हैं। और अभी मैंने इसमें तेल डालना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो रही है इस वजह से। तैयार हो चुकी है, तो आप मुझे बना रहे हैं चने। और बनाते हैं चने और मैंने चने भी बना दिए हैं। अब ये अब मेरा पूरी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप सबसे पहले अब मैंने मंदिर में भोग भी लगा लिया है और सबसे पहले ना नारियल को तोड़ा जाता है, उसके बाद ही प्रसादी बांटी जाती है। तो पापा और मम्मी सब लोग अभी आए हैं खेत से, तो थोड़ी देर के बाद नारियल फोड़ेंगे, फिर उसके बाद सबको बांटा जाएगा प्रसादी में जो कुछ भी बना रखा है। तो मैं आपको मिलती हूँ अब थोड़ी ही देर में, क्योंकि अब मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ और वैसे भी सब लोगों को थकान हो रखी होगी, तो इस वजह से आप किन्नू को बाहर निकालना, बाकी के छोटे मोटे जो भी काम है वो कर लेती हूँ मैं। अभी बजने वाले हैं 3:30 और मुझे कूटने हैं भट यानी सोयाबीन। तो अब मैं जल्दी से सोयाबीन यानी भट को कूट लेती हूँ।
आप लोग देख सकते हो मैंने भट्टी कूट दिए हैं, और इस साले भट्ट को ना एक बार और कूटना पड़ेगा, क्योंकि ना भट्टों को कभी भी एक ही बार नहीं कूटते, हमें दो बार कूटना पड़ता है, तो मैंने एक बार कूट दिया है। अब मैं ना सब में झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से, और इस वाले को ना एक साइड पे रख देती हूँ वहाँ पे, इसको ना फिर कल या परसों कूटेंगे दोबारा से, और इसको ना फिर मम्मी भी सफाई करेगी। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ऐसे हो रखा है ये, तो इसकी सफाई करेगी अभी मम्मी घर आने के बाद। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी, आप लोग भी सोच रहे होंगे रोज मंदिर ही जाते हैं करके, क्योंकि ना ये देवभूमि है, यहाँ पे ऐसा होता ही है। तो हमारे यहाँ जब भी कुछ न्यू होता है जैसे फसल वगैरह वगैरह, तो यहाँ से चढ़ता है, जिसके पिछले ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। ओए दोस्तों, आप तो मेरी दोस्त को जानते ही होंगे। मैं शशि के साथ रहती हूँ। यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं इसी के साथ जाती हूँ। ये अम्मा ये मंदिर से जा रही है। अम्मा आएगा, अम्मा इसका ये है नीची वाला गांव। ये आगे जा रही है निशा, उधर ऊपर जाना है हमें। खेत में अभी भी काम स्टार्ट है। यहाँ पे बना रहे थे चाय, और यहाँ पे आप देख सकते हो फूलों से कितनी अच्छी तरह से मंदिर को सजाया गया है। पूरे गांव वालों ने ना मिल के पूरे मंदिर की साफ सफाई, सब लोग साथ मिल के काम करते हैं, और साथ ही मंदिर को भी बहुत अच्छे से सजाया था। आप देख सकते हो फूलों की माला कितनी प्यारी बना रखी है। मुझे मतलब फर्स्ट बार गई ना मैं यहाँ पे आज के दिन, तो मुझे पता नहीं चला कि ऐसी माला बनाते हैं करके, नहीं तो मैं भी बना के लाती, लेकिन मेरी दोस्त ना बहुत प्यारी माला बना के दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे। रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे।
झोपड़ी